हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट की। पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सीमेंट क्या होती है, सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल विच बाइंड्स ब्रिक्स, स्टोन्स एंड कॉन्क्रीट। पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, इसका दूसरा नाम होता है मैजिक पाउडर। पोर्टलैंड सीमेंट का दूसरा नाम है मैजिक पाउडर। पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ये मॉडर्न सीमेंट भी कहलाती है, क्योंकि नाउ अडेज ओनली पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज इन द डिफरेंट ब्रांड नेम। पोर्टलैंड इज नॉट अ ब्रांड नेम, पोर्टलैंड ब्रांड नेम नहीं है। पोर्टलैंड एक जगह का नाम है जो कि यूके में है, और उस जगह के नाम पर, क्योंकि इस पोर्टलैंड सीमेंट का इजाद उस जगह में हुआ है, पोर्टलैंड जिस जगह का नाम है, इसी वजह से इस सीमेंट का नाम रख दिया गया है पोर्टलैंड सीमेंट। सो बेसिकली इट इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, इट इज़ नॉट द ब्रांड नेम। पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, इसमें मेनली होता है आयरन, क्ले और लाइमस्टोन, ये मेन इंग्रेडिएंट है इसके। इसमें और दूसरे इंग्रेडिएंट मिला के और इसको कंक्रीट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसका कंक्रीट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम। सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे। रॉ मटेरियल्स में क्या है? लाइमस्टोन एंड क्ले। सबसे पहले लाइमस्टोन का को क्रश किया जाएगा थ्रू द क्रशिंग। क्ले को वॉश किया जाएगा, वॉशिंग के थ्रू उसके अंदर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो यूजेबल नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू द वॉशिंग। एंड देन क्ले को प्योरीफाई करके और लाइमस्टोन को क्रश करके, क्योंकि लाइमस्टोन जो होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज में मिलते हैं, तो इन बड़े साइज को छोटे साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ क्रशर। एक क्रशर होता है जो कि उसको मीडियम साइज में कन्वर्ट करता है, और दूसरा जो क्रशर होता है उसको बहुत छोटे साइज में क्रश करता है। थ्रू क्रशिंग एंड वॉशिंग इनको एक प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाता है थ्रू द प्रोपोर्शनिंग मेथड। प्रोपोर्शनिंग मेथड के थ्रू हम उसको एक प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, और आफ्टर प्रोपोर्शन है, एक प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद उसको ग्राइंडिंग कर दिया जाता है, उसको ग्राइंड पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद दो प्रोसेसेस हो सकती हैं, एक तो ड्राई प्रोसेस, दूसरी वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में उसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वेट प्रोसेस में उसमें वाटर मिक्स करके स्लरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये स्लरी और ड्राई पाउडर दोनों को रोटेटरी किल्न में डाल दिया जाता है। अब ये रोटेटरी किल्न क्या होती है? रोटेटरी एक किल्न, एक चैम्बर होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके अंदर तीन सब चैम्बर्स होते हैं। इन सब चैम्बर्स में अलग अलग चैम्बर्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जहाँ पे कि लाइमस्टोन को कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। और वहीं पर क्लिंकर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लिंकर्स यानी छोटी छोटी पाउडर जो है, उनको छोटे छोटे सराउंडेड राई के दाने जैसे सराउंडेड शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रोटेटरी किल्न में पल्वराइज्ड कोल का यूज़ किया जाता है। पल्वराइज्ड कोल का मतलब है कोल को बहुत महीन, बहुत बारीक पाउडर में कन्वर्ट करना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज पल्वराइजेशन। पल्वराइज्ड कोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको रोटेटरी किल्न में यूज़ किया जाता है। फिर क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, छोटी छोटी गोलियाँ फॉर्म होती हैं, इसकी और ग्राइंडिंग करते हैं और उसको और छोटे क्लिंकर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको फाइन क्लिंकर बोलते हैं। और देन उसमें जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। जिप्सम हम इसलिए ऐड कर देते हैं उसमें, क्योंकि जिप्सम ही ऐसा एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको कि डालने पर ये जो सीमेंट है, वाटर ऐड करने के बाद भी 6 से 7 घंटे तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर जिप्सम ना हो तो इस सीमेंट का यूज़ हम 1 से 2 घंटे के बीच ही कर पाएंगे, इसके बाद ये हार्डन हो जाएगी, और हार्डन होने के कारण हम इसका
आगे फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे, यूजलेस हो जाएगी। तो जिप्सम इसकी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी जिप्सम है, जो कि इसको एक मेन सीमेंट बनाती है और बाकी सीमेंट से अलग करती है। एंड देन वी गॉट द पोर्टलैंड सीमेंट, और फिर इस पोर्टलैंड सीमेंट का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए, फॉर बाइंडिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। थैंक यू।